أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء

और हमने आपके लिए ऐलान हम आप कर रहे हैं कि हमने अल्लाह ताला ये ऐलान करता है कि आपके सारे गुनाह उसने माफ़ कर दिए हैं जो आगे होंगे और जो पीछे हो चुके हैं और आपके ऊपर अपनी नेमतों को वो मुकम्मल कर देगा और आपको सीधे रास्ते पे कायम रखेगा आप सीधा रास्ता दिखाएंगे भी सीधे रास्ते पे कायम भी रहेंगे और आपको अल्लाह ताला बहुत ही मज्ज़ और बहुत ही इज्जत वाली और बड़ी मज़बूत इज़्ज़त नुसरत से नवाजेगा और ये अल्लाह की जात तो वो है जिसने मुसलमानों के दिल में सकीनत उतार दी है ताकि उनका ईमान जितना है वो और बढ़ जाए और अल्लाह ताला की लशकर, लशकर के लश्कर लश्कर के लश्कर हैं ज़मीनों में आसमानों में तला बहुत इल्मा है बहुत हमत वाला है और अल्लाह ताला चाहता यह है कि मोमिन और मोमिनात को वो जन्नतों में दाखिल कर दे जिसके नीचे से नहरें बहती हैं वो उसमें हमेशा रहेंगे उनके गुनाहों को हम कफ़ारा बना देंगे उनके नेकियों से और ये अल्लाह के पास जो उनको कामयाबी है ये बहुत बड़ी अजीम तरीन कामयाबी उनको हासिल होगी और इसी कशपकश में जो लोग पीछे रह जाएंगे मुनाफिकत अख्तियार करेंगे तो उनको मुनाफिकत अख्तियार करने वाले मर्दों को औरतों को अजाब देगा शिरक इख्तियार करने वाले मर्दों को औरतों को अजाब देगा जिनको अल्लाह के बारे में जितनी भी गुमान है वो सब बुरे के बुरे हैं बुरे ही बुरे गुमान है यानी अल्लाह से कोई अच्छा गुमान रखते ही नहीं है वो और उनका गुमान अल्लाह को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा वो बुराई जो है उनके गुमान की वो उन्हीं की तरफ लौट के आ जाएगी और कैसे लौटेगी अल्लाह का उन पर गज़ब होगा उस पर जानत हो उन, उनकी लानत उसकी लानत उन पर होगी और फिर जहन्नम के उनको हमने तैयार कर रखा है जहां जाकर उनका ठिकाना होगा लेकिन बहुत बुरा ठिकाना है और ज़मीन आसमान में कितने ही लश्कर हैं जिनसे अल्लाह ताला जब चाहता है काम ले लेता है अल्लाह ताला बहुत इज़्ज़त वाला है बहुत हमत वाला है तो ये सूरत जो है ये मदनी सूरत है और ये जाहिर है कि सोलह हुदैबिया के मौके पर उतरी है तो इसका थोड़ा सा खुलासा जो है वो इसका तशरीह की शक्ल में मौना मौलाना मौजूदी इसमें अपनी तफ़सीर में पेश किया है तो मैं इसको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ कि इसमें अन्ना फ़तः न फतह मुबीना से इसका नाम लिया गया है कि ये अजीम फ़तह ने रखी है और वह सल उदैविया में हुई थी और ये छः हजरीकादा में नाजिल हुई थी नबी करीम ने एक ख्वाब में देखा कि आप अपने साथियों के साथ मक्के मज़मा तशीफ के ले गए हैं और उम्र कर रहे हैं तो नबी करीम के ख्वाब ख्याल में भी नहीं आ सकता था यानी के ख्वाब ख्याल में भी नहीं आ सकता था कि ऐसा कुछ होना लेकिन आपने ख्वाब देखा और नबी का ख्वाब जो होता है वो भी वही के कस्म होती है और ला तार ने आगे चल कर इस बात की तोसीक़ भी कर दी कि हमने जो आपको ख्वाब दिखलाया था वो देखिए हमने सच कर दिखाया और इसबाब कुछ भी नहीं थे गुफार कुरैश ने छह साल से मुसलमानों के लिए बैतुल्ला का रास्ता बंद कर रखा था हज और उम्र तक में नहीं आने देते थे उनको उनसे कैसे तो की जा सकती थी कि वह आपको मक्के में दाखिल होने देंगे मगर बहरहाल आपने ये किया कि एहराम बांधा और जंगी साजो सामान के बजाय निकलने के सिर्फ थोड़ा सा हथियार जैसे एक ब... होता है को ज़माने में तलवार तो रखते ही थे लोग गैर गैरमसल अंदाज में आपने तैयारी की बहरहाल नबी करीम सदर का मनसब यह था कि जब अल्लाह ने यह कह दिया है तो वो तो बग़ैर किसी डर के खौफ के वो करेंगे तो उन्होंने अपने साहबा को तैयारी का हुक्म दे दिया और यह कहा कि भाई हम जा रहे हैं और जिसको जाना है हमारे साथ चले और भी यानी आपने ऐलान कर दिया कि भाई हम तो जा ही रहे हैं जो भी हमारे साथ चलना चाहता है वह एलान हमारे साथ शरीक हो जाए तो हुआ ये कि जिन लोगों ने मसला यह था कि जिनकी नज़र में यह था कि भाई ये अल्लमियाँ क्या होते हैं ये मदद क्या होती है ये गैर मामूली हालात में हम कैसे चलेंगे तो वो तो उन्होंने कहा यह तो लगता है मौत के मुंह में जा रहे हैं वो तो उन्होंने तो अपने आम आदमी क्या दिखा दी बता तक तो खाना शुरू कर दिया मगर जो वाकई अल्लाह उसके रसूल के सच्चे मोमिन थे उन्होंने जब नबी का इशारा देखा तो खड़े हुए और तैयार हो गए तो कोई चौदह सौ सहाबा यानी सहाबी की तादाद के बारे में बुखारी में एक हजार भी आता है तेरह सौ भी आता है चौदह सौ भी आता है तो जिसने एक हजार कहा तो उसने को या एक हजार का तादाद ज्यादा मुतयन है तो वो तो कर ही दी और जिसने ज्यादा मुतन की तो वो तेरह सौ चौदह सौ के दरम्यान में रहे तो हिजरी में जिलकादा का महीना था ये आप मदीना रवाना हुए तो फा जो है जिसको आजकल कल बैर कहते हैं ये लीफा वो जगह है जो पाँच किलोमीटर आप निकलते हैं मदीने से तो मदीने के आगे जाके एक जगह आप तो बहुत अच्छी मस्जिद बना दी है तो वहाँ पे उम्र के लिए यााम के लिए हज के लिए हराम बांधते हैं तो नबी करीम ने वहीं से वो किया उसे बर अली इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर एक कुआँ था तो अली के नाम से मंसूब हो गया था वो अली हज अली के नाम से या कोई और अली हैं जिनके नाम पे लेकिन बहरहाल बहरबली कहलाता है वरना उसका आज का नाम है मक़ात मदीना यानी मीकात आपको मालूम है कि मीकात वो होती है जो हदूद हरम के बा, बाहर एक जगह होती है जहाँ से एहराम बांधे बगैर नहीं आ सकते उम्रे के लिए या हज के लिए उसको मीकात कहते हैं तो मदीना की मीकात सबसे लंबी है जितनी भी मीकात हैं ये चार सौ किलोमीटर चार सौ तकरीब पच्चीस किलोमीटर की है बाकी जो है कोई बीस सत्तर किलोमीटर की है कोई एक सौ किलोमीटर की है और इधर से जैसे अगर यमन से जाएँ तो वो तकरीबन दो ढाई सौ किलोमीटर की है तो सत्तर ऊंट आपने साथ रख लिया कि ताकि लोगों को ये बता दिया जाए कि हम वहां पर सिर्फ अल्लाह के घर को जाने के लिए और अल्लाह के घर पहुंच कर वहां कुर्बानी के लिए जा रहे हैं तो अरबों में पुरानी रवायत थे कि अगर जानवर कुर्बानी के हों तो उन पर एक लकड़ी कोई रस्सी डाल देते थे कलादा कहते हैं उसे या कोई निशान लगाते थे कट गरम गरम वो करके लोहा करके लगा लगाते थे तो उससे है ये मालूम होता था कि हरब में जाके जिबा होगा तो अरब उसका एहतराम करते थे यानी उसको लूटते नहीं थे उसका मतलब ये है कि उसके बारे में उनको यह होता था कि यह खालिश अल्लाह के लिए है तो बहरहाल आपने एक एक तलवार रख ली जिसका मतलब यह है कि आम हालात में हर वक्त उसमें कोई मसला नहीं था और मक्के और मदीने के ताल्लुकात आपको मालूम है कि अभी पांच साल पाँच ही को भी अजाब हो चुका था जैसे मक्के से लोग टूट पड़े थे और सारे लोगों को एलईड फोर्सेज जो थी वो सब जमा हो गए थे यहूदियों के मुशरकों की और कबीलों की सब ने मिल के हमला किया था और आकद में बहुत ही नाकाम होकर वापस हुए थे अब हुआ ये कि जब ये खबर मिली मक्के के लोगों को कि साहब वो उम्र करने तशरीफ ला रहे हैं तो उनके सामने यानी अजीब किस्म की उनकी आप अंदाजा कीजिए कि दुश्मन लड़ने मारने पर हम उतरे हुए थे वो भी हम मार रहे थे अब वो एहराम बांध के आएंगे और मक्के में दाखिल होंगे और हम देखते रहेंगे तो उनकी समझ में नहीं आया अच्छा अच्छादा जो है हराम महीना है उसमें जंग नहीं हो सकती महीने जो है तो अब हुआ ये रोक अच्छा फिर महीने वाले को किसी को रोकने का हक नहीं था यहां तक कि दुश्मन भी हो तब भी आपको उनके लिए रोकने की इजाजत नहीं थी कुरैश उझाने पड़ गए रोकते हैं तो पूरा अरब पूरे अरब के खिलाफ हो जाएंगे कि देखिए आपने एक तो हरम की मदहीने महीने की बेहरमती की और जो हक था आने वाले का उसको रोका आपने लेकिन अगर वो जाने देते हैं तो उनकी ना कट जाती है और लोग कहेंगे जकी साहब कैसे मतलब है कि आराम से मतलब है कि ये लोग तो बिल्कुल बोधे निकले कुछ भी नहीं कर सके तो अब उनको ये हुआ कि हम तो करें क्या, क्या? तो बहराज अब वो जब यह मसला हुआ तो उन्होंने तो पहले यह तय किया कि नहीं सवाल ही नहीं है हमारी तो असबियत पुरान ने का नाम रखा है असबियत जाहलिया यानी जाहिलियत का जो एक वो होता है इंसान को तकबर और गुरूर कि कोई मनमानी बस, बस सिर्फ मनमानी करनी है ना कोई असूल ना कोई दलील ना किसी चीज़ का वो है तो जाहिलाना हमियत उन पर गालिब आ रही है हम इनको रोकने नहीं दे सवाल ही नहीं इनके आने का नबी करीम साम को बनी काब के एक शख्स ने इतला दे दी थी जिसको आपने आगे भेजा था उसने बताया कि भाई वो बहुत ही लबरदस्त तैयारी कर रहे हैं तो जब आप आसमान पहुंचे तो उसने आकर इतला दी कि वो जी तवा का एक मुकाम है मक्के से ज़रा बाहर का इलाका है तो यानी तकरीबन ये समझिए कि मक्के के बाहर एक जगह असफान के करीब है तो वहाँ तक पहुँच गए और खालिद बिन दो सौ सवारों को लेकर पुरा नाईम में या गमीम में वहाँ पर पहुँच चुके हैं ये भी आसमान से आठ किलोमीटर जगह है आसमान जो है तकरीबन साठ सत्तर किलोमीटर है मक, मक्के से और वो इसलिए उनको भेजा गया था कि आपको वहीं पर रास्ते में ही रोक लें आगे बढ़ने नहीं दें अच्छा इसमें कुरैश की चाल ये थी कि जब ये लोग सामने आएंगे तो कुछ उनसे छेड़छाड़ होगी तो उस वक्त तो वो ये कहेंगे सर हम तो रोकना नहीं चाहते थे वो तो आने को हम मेहता थे लेकिन उन्होंने हमारे लोगों पर हमला कर दिया हमारे लोग तो उनसे ऐसी जगह खबर लेने गए थे पूछने गए भाई कैसे दाखिल होंगे या कितने दिन रहेंगे और उन्होंने हमारे लोगों पर हमला कर दिया जैसे आजकल होता है आपको मालूम है कि सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप जो है डिफेंसिव हो जाए यानी आप किसी को अपने ऊपर हमला करने दें और कैसा कैसे मजबूरन डिफेंस में मारा है तो वही उन्होंने तय तरीका रखा ताकि कम से कम अरब जो है तो नबी करीम ने एक अजीब काम किया आपको चुकी थी आपने वो रास्ता ही बदल दिया जहां आप खालिद मजीद खड़े हुए थे उस रास्ते से आप एक दुशवार गुजार रास्ते से गुजरते हुए हुदैबिया है अच्छा हुदैबिया बिल्कुल यूँ समझिए कि जैसे आप मदीने आ रहे हैं तो मदीने से आप पहुंचेंगे जो आजकल मजिद आयशा कहलाती है वहां पर और आप आ रहे हैं इस वक्त आप घूम के जो जद्दे आने वाला आदमी होता है उसकी तरफ से आ गए आप रबीज इक्वल यानी जो अनएक्सपेक्टेड होता है मदीने से आने वालों के लिए वो आपने किया तो होदैविया की जगह पे आप पहुंच गए एक मिनट जी हाँ हाँ ठीक ओके तो हुआ यह कि यह जद्दे के मुकाम पर है और मक्के से तकरीबन उसका फासला जो है पंद्रह बीस पच्चीस किलोमीटर है तकरीबन तो वहां पहुंच गए अच्छा हुआ यह कि वहां पर खुजा का कबीला है बनी खुजा का सरदार है बुदैल इब्न बरका वो वहां से गुजर रहा था उसने देखा इन लोगों को तो उसने देखा कि भाई एहराम बांधे हुए हैं और जन जानवर जबह करने के लिए रखे गए हैं और वो बड़ा एहतराम करने वाला कबीला था हरम का हरम की हरमत का तो वो गया मदीने और उसने कहा भाई बात यह है कि तुम्हारी दुश्मनी एक तरफ लड़ाइया एक तरफ लेकिन इस वक्त तो वो एक खालिश हरम की ज्यारत के लिए आ रहे हैं तो कहा भाई मेरा मकसद तो ये है कि भाई तुम रोको नहीं मगर उन्होंने जो अपनी हेटी में थे वो अकड़े हुए थे तो अहबाश एक कबीला अहबाश एक जो है वो समझिए कि बाद लोग ऐसे थे जो मक्के के बाहर के इलाकों में रहते थे और दूसरे अरब नहीं थे वो पूरे पक्के लेकिन वहां रहते रहते एक तरह से अरब हो गए थे तो उनको हबशी कहते थे हबशी यानी हबशी के वजह उनके ना उनका रंग सिया होता होगा थोड़ा सा तो उनको अहबाश कहते हैं और मक्के के क्रैश के लोगों से उनका हलीफ का ताल्लुक था यानी आपस में दोस्तियां थी उनसे रिश्तेदारियां भी हो सकती हैं तो बहरा उनके सरदार फले से अपने अलकमा जो है वो आए और उनसे कहा कि आप उनसे ये कहें कि आप लोग वापस चले जाएं उन्होंने भेजा कुरैश ने कि आप हम जरा समझा दें उन्हें तो कुरैश का मकसद ये था कि जब मोहम्मद बात नहीं मानेंगे तो ये आबाश वाले जो हैं वो कहेंगे अच्छा आपने तो हमारी भी बहरमती कर दी हमारी बात नहीं मानी तो वो बजाय से कि कुरैश से लड़ें अहबाश से लड़ना पड़ेगा उन्हें तो बहरहाल जब उन्होंने हुआ ये कि वहाँ देखा कि अहराम बांधे हुए हैं हदी के ऊंट हैं और कलादे पड़े हुए हैं तो वो उन्होंने बात ही नहीं की बल्कि उन्होंने कुरैश के लोगों से साफ साफ कहा कि भाई बात यह है कि हम तो रोकने के लिए उनको नहीं रोक सकते जब अल्लाह घर के लिए आ रहे हैं तो हमें कोई हक नहीं उनको रोकने का और तुम अगर रोकोगे तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे यह तक कह दिया उन्होंने बजाय ऐसे कि आबाश को उन्होंने सोचा हमारा साथ देंगे वो उनके खिलाफ हो गए तो कुरैश ने फिर उसके बाद औरवा अपने मशहूर सकाफी को भेजा यह सरदार था और उसने आके समझाना शुरू किया कि भाई देखिए अभी आप मत जाइए और ऐसा है और ऐसा है लेकिन आपने उसको भी वही जवाब दिया तो कुरै अरवा ने नेरवा ने जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब महल जहां बैठे हुए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी मंजिल का उसने नजारा किया और सहाबा की कैफियत देखी और उसने आके कहा वहां के लोगों से कुरैश के लोगों से तो एक बात बता दूं तुम्हें मैं किसरा के कैसर के रूम के बादशाह है किसरा ईरान का बादशाह है और हफ्ह का बादशाह नजायशी है मैं उनके दरबारों में गया हूं मगर खुदा की कसम मैंने मोहम्मद साथ के साथियों के साथ जैसा उनका रवैया देखा है फिजाई का फिदायत का वो मैंने किसी बादशाह के पास भी नहीं देखा उनका तो हाल यह है कि मोहम्मद सल्लम वजू करते हैं तो वो एक पानी का कतरा गिरने के बजाय अपने जिसम पे मल लेते हैं बरकत के लिए तो तुम समझ दो कि तुम जो मुकाबला करना कर रहे हो ना ऐसे लोगों से जो बिल्कुल दीवाने हैं और हुक्म हुक्म के आ, हुकुम उनके ऊपर बस हुक्म देना काफी होगा नबी का तो बहरहाल उसमें और लोग भी आते रहे तो क्रैश के लोग बार बार ये कोशिश करते रहे अच्छा इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह हुई कि मसहूद सकाफी जो था इसने नबी करीम के जरा करीब पहुंच के थोड़ा सा नबी करीम की दाढ़ी पे हाथ रखा यानी होता नहीं बाद लोग जरा होता है जरा कह रहे भाई आप मान लीजिए मेरी बात मैं आपको समझा रहा हूँ तो आता हाथ अबकर ने कहा हाथ हटाओ यहाँ से तुमने हिम्मत कैसे की तुमने नबी करीम के दाढ़ी को छूने की तो और उसमें बड़ा सख्त तरीन जुमला कहा उनको उन्होंने कहा कि तुम मतलब ये ये बुतों के पुजारी तो मतलब ये हाँ, कि नबी पे हाथ दाढ़ी पे हाथ रखेगा तुम्हें कोई हक नहीं है तो उसने पूछा ये कौन सा है उनका अब वकन है तो उनका अबू बकर ने मेरे साथ एक एहसान किया था वरना मैं इनको बड़ा गंदा जवाब देता मैं भी मतलब इन्होंने जो बात कही है जवाब देता खामोश हो गया हूँ मैं उसके बाद वो आते हैं एक और साहबी का आता है कि इसने फिर कुछ हरकत की तो दूसरे साहबी ने उसको टोका दूसरे कहा तुम कौन हो तो उनका शायद उनका नाम व शरी था या मुब मु था तो उन्होंने कहा कि अरे तुम मेरे सामने के मतलब ये कि मेरे नौकरी करने वाले और मेरी गुलामी करने वाले अब तुम इस हैसियत में हो कि तुम मेरे बराबरी में बात करते हो मतलब वो उसका जो वो तकबर होता था उनका वो गोया मतलब छाया हुआ था उसके ऊपर लेकिन बहरहाल उसने आके यही कहा कि साहब बात यह है कि मैं कह सकता हूँ कि ये मोहम्मद के जो फिदाई हैं साहबा वो समझ लो कि वो कोई भी उनमें से ना तो पीछे हटेगा ना मतलब ये कोई कमी कमजोरी कम, दिखाएगा तो बहरहाल वो आज का सिलसिला जानता रहा इस दरम्यान में वो करते क्या कि चुपके चुपके से एक आध कोई हरकत कर देते मतलब किसी ने एक आठ ऊंट लौट लिया कोई एक चीज को कोई खेमा है उसको जला दिया ये हरकतें भी करते ताकि वो चाहते रहे कि तरीके से लड़ाई हो जाए बस और नबी लेकिन नबी करीम एक दफ़ा यह तक कि चालीस पचास आदमी पकड़ लिए गए लेकिन आपने फिर उनको छोड़ दिया दूसरे मौके पर तनीम की तरफ से अस्सी आदमी नमाज के वक्त में नमाज के वक्त में आ गए ये भी पकड़े गए मगर आपने उनको भी रिहा कर दिया अच्छा उनको बदला नहीं लिया उनसे अब कुरैश जो थे वो फिर आपने कहा कि जाओ उस्मान से कहा जाओ तुम जाओ हजरत उस्मान के बारे में याद है कि वो महबूब तरीन लोगों में थे कुरैश के बहुत पसंद करते थे लोग तो आपने कहा तुम शायद बात करो शायद लोग तुम्हारी बात सुन ले तो हजरत उस्मान जब गए तो उन्होंने कहा कि मैं हम इसलिए आए तो उन्होंने कहा नहीं भाई हम तो आपको तवाफ करने की इजाजत देते हैं लेकिन नबी को तो इजाजत नहीं देंगे क्योंकि तो मैं तो सवाल ही नहीं जब तक नबी नहीं करेंगे मैं भी नहीं करूंगा तो उन्होंने अच्छा उन्होंने थोड़े दिन रोक लिया उनको हजरत उस्मान को जाने नहीं दिया हो सकता है बात करने के लिए रोका खबर यह उड़ गई कि नजरत उस्मान को कत्ल कर दिया गया बस उसके बाद तो नबी करीम का अब सवाल ही नहीं आपने एक दरख्त था उसके नीचे खड़े हो गए और लोगों से बैत लेना शुरू की कि अब हम मौत पर बैत करते हैं तो साहबा जिन लोगों ने यह कहा था कि हमने दुनिया आपके नबी करीम सदरम की जिंदगी में एक बार मौत पर वैध की थी वो ये वक्त था और हम पीछे नहीं हटेंगे उस तो मौत का मतलब ये था कि एक तलवार और वहां पे हथियारों का कोई सिलसिला नहीं उधर हजारों किस्म के अच्छा मक्के के लोग वहीं के करीब के रहने वाले और ये चार सौ किलोमीटर दूर से पहुंचे हुए मगर उन्होंने बैध की और नबी करीम ने अपने हाथ से दूसरे हाथ को मारा और कहा कि मेरा ये दूसरे हाथ उस्मान का हाथ तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिसमें कहा है कि ऐ नबी आज जब बैत कर रहे थे तो आपसे नहीं हमसे बैत कर रहे थे तो आपसे बैत नहीं कर रहे थे तो ये बात अल्लाह ताला ने बुझा यानी नबी का हाथ तो का हाथ नबी का हाथ हुआ और अल्लाह का हाथ नबी का हाथ अल्लाह का हाथ हुआ बहरहाल इसके बाद यह हुआ बाद में मालूम होगा हतुस्मान के कतल की खबर गलत थी और हतुस्मान आ भी गए तो फिर उसके बाद कुरैश ने महसूस कर लिया कि भाई बात यह है कि अब संजीदा तरीके से कुछ गुफ्तू करना पड़ेगी छेड़छाड़ से काम नहीं चल रहा और इधर उधर के तरीकों से भी काम नहीं हो रहा तो उन्होंने सुहेल अपने आमिर को पहुँचा तो इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब वो नबी के पास आए तो उन्होंने कौन सा बारे उनका सुहेल तो नबी करीम का उसूल यह था कि आप अच्छी कोई बात हो तो फाल जैसे कहते हैं ना फाल खुश अच्छी फ़ाल उसको लेते थे तो आपने ये फरमाया कि इस शख्स का नाम सुहेल है अब तुम्हारे लिए सहूलत हो जाएगी सुहेल का मतलब नरमी का होता है तो आपने फरमाया देखो अब आसानी होने वाली है तुम्हारे लिए तो खैर वो सुहेल आए और उनके साथ एक बब भी था और उन्होंने मतलब यह कि उन्होंने कहा कि देखिए बात यह है कि ये जिद तो उन्होंने खत्म कर दी कि हम आपको नहीं आने देंगे लेकिन नाक तो बचाना थी कोई इज्जत तो बचाना थी उन्होंने कहा बात यह है कि हम आपको अगले साल आने देंगे इस साल तो आप वापस चले जाइए अगले साल आप आ जाइएगा ताकि हमारा कोई भरम रह जाए हमारी कोई इज्जत रह जाए और हम आपसे एक सुलह करते हैं अच्छा सुलह में वन साइडेड था ज्यादातर लेकिन नबी करीम ने हुआ यह था कि जब आप चल रहे थे तो हुदैबिया के पास आके ऊंटी बैठ गई चलते चलते और आपने उसको दो तीन दफा उठाया वो खड़ी हुई घूमी फिर वहीं आके बैठ गई तो एक साहबी ने यह कहा कि अल्लाह के नबी लगता है ये ऊँटनी जो है अब नाकारा हो गई है बेकार हो गई काम नहीं कर रही है तो आपने फरमाया कि खुदा की कसम इस ऊँटनी को के लायक ही नहीं है ये काम करे इसको उस जात ने रोक लिया जिसने अबराहा के हाथियों को रोका था अबराहा के हाथियों को रोका था और आपने एक बात कही उस वक्त उसने कहा खुदा की कसम आज मुझसे अगर ये अल्लाह की हरमत अल्लाह के बेतुल्ला की हरमत और महीने की हरमत के नाम से कुछ भी मांगेंगे मैं उनको दे दूंगा सुलह करने के लिए तो आपने एक वादा कर लिया था तो सबसे पहले मसला क्या हुआ उसने कहा कि लिखिए क्या लिखें उन्होंने कहा कि लिखो भाई हतली को आपने लिखवाना शुरू किया कि लिखो मोहम्मद रसूल अल्लाह के रसूल मोहम्मद के अगर आपको रसूल मान लें फिर आपका झगड़ा क्या था हमारा हम तो आपको रसूल मानते ही नहीं तो फिर क्या करेंगे लिखिए मोहम्मद इब्दुल्ला अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद तो आपने कहा भाई लिख दो था ने का सवाजी नहीं मैं तो ये काम नहीं कर सकता तो आपने कहा मुझे बताओ तो आपने वो जगह कलम से हाथ से हटा के अपने हाथ से वो जगह काट दी और उन्होंने तो कहा बड़ा खूबसूरत जुमला कहा तो तो उसने कहा देखो मैं हूं तो अल्लाह का रसूल तो मानो या ना मानो लेकिन उनका ठीक है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ठीक है वो भी कोई मसला नहीं उसी से लिखो तो उसमें दस, ये लिखा गया कि दस साल तक ये जंग बंदी रहेगी दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर हमारा कोई आदमी भाग के आपके यहाँ आए तो आपको वापस करना पड़ेगा अच्छा हमारे उनके भाग के कौन जाएगा मुसलमान सारे मुसलमान भागेगा तो अगर ये शर्त है तो फिर तो सारे मुसलमान जितने वो सब होगा ये क्या बात हुई हम तो भाई कैसे बुरी करेंगे तो उसने कहा भाई मानना है तो मान लो बंदा तो मैं शर्त के बगैर काम नहीं करूंगा आगे नहीं पढ़ूंगा तो आपने कहा भी लिख लो फिर उसके बाद ये हुआ उन्होंने कहा कि आपके यहां से कोई आदमी भाग के आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे यानी वन साइडेड आपने फिर लोगों ने एहतियात किया लेकिन आपने तो कहा नहीं लिखो इसको भी फिर उस बाद उन लोगों ने कहा कि अच्छा कोई अगर ग्रुप ऐसे हैं कबीले हैं जो आपके साथ मिलने चाहें तो हमें इजाजत है हमारी तरफ से एतराज नहीं और आप हमारे साथ कोई मिलना चाहे तो आप एहतराज़ नहीं करेंगे तो आपने कहा यह भी ठीक है तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अगले साल आएंगे और बड़ी शर्तलें क्या थी सिर्फ तीन दिन मक्के में रुकेंगे और सिर्फ तलवारें जो है न्याम के अंदर रख कर लाएंगे और कोई और जंग का जंग लड़ाने का कोई तरीका नहीं होगा और हम मक्के से उस वक्त निकल जाएंगे अच्छा हमारी नाक तो ऊंची रहना चाहिए तो हम छोड़ देंगे मक्के को बस आप लोग मक्के में रहिएगा तीन दिन के बाद वापस आ जाएंगे अब हुआ ये कि ये जब ये बात हो रही थी उसी वक्त इतफा से इन्हीं अबू सुहेल के बेटे अबू जंदल मुसलमान थे और वो उन्होंने अबू जंदल को गर, घर में बांध के रखा हुआ था वो अपने जंजीरें वंजीरे छोड़ा के अब वहां पहुंच गया एकदम और कहा कि अल्लाह के बंदो मैं मुसलमान हो गया मुझे ले चलो अपने साथ तो सुहेल ने कहा कि ये पहली अभी पहली शर्त है ये आजमाइश की यह मुहदा होने की पहली शर्त हो गई और आपको इसको मानना पड़ेगा अभी तो मुहिदा तो ही नहीं हुआ है तो उनका फिर मुआदा भी नहीं होगा ये आदमी का अभी वापस करना पड़ेगा आपको तो आपने अबू जंदल से कहा अबू जंदल हमने एक माह कर लिया हम इसके पाबंद है हम पाबंदी करेंगे और अल्लाह तला तुम्हारा ख्याल करेगा तो माहे अल्लाह तला रास्ता करेगा तो अबू जंगल रोने लगे और साहबा तमाम साहबा इंतईराफ की और घबराहट की आलम में तो हुआ ये कि जब ये बात हो रही थी तो जैसे मक्के से भाग के आ जाएंगे फिर चौथी चो, ये थी मुसलमान समझ रहे थे कि भैया हम लोग नाकाम जा रहे हैं और जलती भी तेल का यह हुआ कि अबू जंदल जो मुसलमान हो गए थे उनके साथ मामला हुआ तो उस वक्त उन्होंने कहा तो हुआ यह कि जब ये आपने माहिदे पर दस्तखत कर दिए उन्होंने भी दस्तखत कर दिए तो एक कबीला जो था वो नबी करीम के साथ मिल गया और एक कबीला उनके साथ मिल गया अब जब आपने ये माहिदा कर लिया तो लोगों से कहा कि भाई अब इसका तरीका यह है कि हम चूंकि बैतुल्ला नहीं जा सकते अहराम बांधे हुए हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि आप अपने बाल यहीं कटवा दें यहीं पर बैठे बैठे और उसके बाद एहराम खोल लें तो आपने जब साहबा से कहा तो साहबा सुनी नहीं रहे ऐसा मालूम जैसे वो सुन हो गए बिल्कुल सन्नाटे में वो ही नहीं रहे तो आपने बड़ी दिलचस्प बात की हुई कि आप अपने नबी करीम की बीवी हतम सलमा है बड़ी समझदार खातून थी और बहुत ही यानी मतलब एक हिमत वाली तो आप उनके कमरे में आए खैमा लगा होता में तो भाई मेरे साथ तो बड़ी बुजुर्ग सूरत हाल हो रही है मेरी बात साहबा सुन नहीं रहे इनसे कहीं नाराज ना हो जाए इस बात पर तो उन्होंने कहा आप चाहते हैं कि ये काम हो कहा तो का काम कीजिए अब देखिए क्या हिमत की बात उन्होंने कही उन्होंने कहा आप ऐसा करिए जाके अपने बाल मुंडवा दीजिए फिर देखिएगा क्या होता है आप आए बाहर और एक आदमी को बुलाया कहा मेरे बाल मुंड दो उसने मुंड दिए अब जब साहबा ने ये देखा कि अब तो फैसला बदलने वाला है ही नहीं और नबी करीम ने बाल मुंडवा दिए तो वो सब ने एक दूसरे के बाल काट के आराम से आराम से निकल गए तो साहबिया ये कहते हैं कि हमारा आलम यह था गुस्से का कि हम दूसरे के सर पे जब उसरा चलाते थे तो दो चार कट मार देते थे यानी गुस्से में मालूम हुआ कि इतना हाथ हमारा गलत पड़ता था कि दो चार में के बाल बाल के बजाय खाल छील लेते हम इतने गुस्से में थे बहरह अब इसी में बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसमें हजरत उमर जो थे वो तो जबरदस्त किस्म का उनके लिए वो था तो वो तो सीधे पहुंच गए उनके पास नबी करीम के पास उन्होंने ये कहा बताइए ये आप, आप रसूल हैं कि नहीं उनका हूँ उन्होंने कहा हक पर है कि नहीं उनका पर है तो उनका फिर हम खाते जो है दबने, दब क्यों रहे बात से हम दब क्यों रहे तो आपने फरमाया कि मैं अल्लाह के हुक्म का पाबंद हूं मैं उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा अच्छा वो बकर के पास गए उनसे भी यही पूछा तो मजेदार बात यह कहता अवबकर ने वही जुमला कहा जो आपने कहा था उन्होंने कहा वो अल्लाह के रसूल है और जो उनका हुक्म होगा अल्लाह का वही कर रहे होंगे तो हजरत उमर ये कहते हैं कि जब बाद में नबी करीम ने ये सूरत सा तो मुझको सुनाई सबसे पहले और कहा कि मुझ पर एक सूरत फता है तो उन्होंने कहा ये फतेह कैसे हो गई हम तो मतलब दब के हमने सुला मनाई है और आप कह रहे हैं फतेह हो गई तो उन्होंने कहा कि हाँ ये फतेह है अब इसमें देखिए बात क्या हुई इसमें यह आता है कि जरतमर रजीदा थे जब उनको बताया गया तो इसमें क्या बात हुई सबसे पहली बात क्या हुई कि बाकायदा अरबों ने इस्लामी रियासत को तस्तीम कर लिया यानी जवाब स्टेट आप जब बराबर की हैसियत में आ जाते हैं तो माह दो फरीकों के बीच में होता है जो बराबर के हों तो हुकूमत ने गोया हुकूमत को मान लिया तो नबी करीम इससे पहले एक चंद लोग थे कबीला भा, भागा हुआ कबीला था मतलब एक उनकी कोई हैसियत नहीं थी अब उनका इकदार मान लिया गया दूसरी बात उन्होंने ये मान ली कि बैतल्ला पे उनका आने का हक है मुसलमानों का उसको नहीं रोक सकते और इससे यह भी साबित हो गया कि मुसलमान होकर भी हज किया जा सकता है यानी वो तो इस्लाम को समझते थे कि हमारे दीन से निकल बगावत कर रहे हैं यानी मुर्तद हो रहे हैं हमारे दीन से अब उन्होंने कोई मान लिया कि हाँ इस्लाम जो है ये भी दीन इब्राहिमी का एक हिस्सा है तीसरी बात यह है कि जो सबसे बड़ी बात हुई कि इस्लाम को दस साल के मुहिदे का जो अमन मिला उसमें नबी करीम को दावत इस्लाम फैलाने का सारी दुनिया में मौका मिल गया तो आपने तमाम कबाइल को खत लिखा यहाँ तक कि बाहर के जो हुक्मरान हैं रोम का और ईरान का और कप्ती और जो सद, मिस्र का था और सब लोगों को खत लिखा तो उनमें से बहरान का शख्स मुसलमान हुआ और नजासी थे मुसलमान लेकिन कप्ती जो था मुसलमान नहीं हुआ लेकिन उसने एक अपने एक तोहफे में उनके खानदान की खातून उमारिया को तोहफे में दिया और किसरा ने अपना कैस, आ, आपका खत फाड़ दिया तो जब आपको इतना मिली तो आपने फरमाया कि इसकी दौलत भी ऐसी इसकी हुकूमत भी ऐसी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी जैसे खत मेरा खत फाड़ा है और वो है कि उसकी बेटी ने उसको कत्ल करके उसकी हुकूमत अपने हाथ में ले ली और कैसर जो था उसके बाद जब ये खत आया तो उसको यकीन हो गया कि ये वही नबी हैं और अबू सफियान तिफात से हमार दरबार में उसको बुलाए गए तर्जुमा किया उन्होंने तमाम के बारे में नबी करीम के बारे में सवाल किए कैसे आदमी है किस ख़ानदान के कभी इनके यहाँ किसी ने कोई दावा किया है और ये बात जो इस्लाम की तरफ बढ़ने वाले ज्यादा है कम है तो सारी बातें वो थी जो सही थी तो उसने कहा कि मुझे यकीन है कि ये नबी हैं और इनके मानने वाले जो है बढ़ेंगे कम ही होंगे और इनके इनको तकलीफें आ रही कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसमें उसने कहा कि मुझे ये तो मालूम था कि एक नबी आने वाला है लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि वो अरबों में आएगा तो उसने ख्वाब देखा था कि उसमें ये देखा कि एक खतना होने वाली कौम है उसके अंदर नबी निकला है तो लोगों ने उससे उसने पूछा तो उसने कहा दुनिया में दो ही कौमें हैं जो खतने कराती हैं एक यहूदी और एक अरब तो उन्होंने कहा कि यहूदियों का तो कुछ सवाल ही नहीं वो तो मुझ पर क्या हुकूमत करेंगे मैं तो उनको दो मिनट में साफ कर दूंगा तो उन्होंने कहा यह अरब हो सकते हैं तो उसने कहा जब ये खत आया तो उसको ये यकीन हो गया कि जो मैंने ख्वाब देखा था वो अरबों के बारे में तो वो इस्लाम लाना चाहते रहे लेकिन उसकी कौम ने उसको जो है वो कहा कि हम तुम्हें मार देंगे बगावत कर देंगे फना कर देंगे तो वो दब गया बहरहाल उसने कहा यह था कि ये अगर वो नबी है तो जहां मैं बैठा हूं ये जमीन भी उनके हाथ में आ जाएगी लेकिन ईमान के साथ नहीं मर सका वो तो बहरहाल दस साल के माहदे में यह हुआ कि कहा तो चौदह सौ आदमी आपके साथ आए थे और कहा मतलब ये कुरान में जो अल्लाह ने कहा कि यद खुल दिन अफवाज के दीन में अल्लाह फौज और फौज लोग दाखिल हो रहे हैं तो उसके बाद यह हुआ अच्छा फिर उसके बाद आपने क्या काम किया कि जब आपको अमन मिल गया तो आपने फिर मुल्की इंतजाम संभालना शुरू कर दिए कि भाई सियासी इंतजाम हैं इंतजामी सेहत हैं शहर का निज़ाम है वो लोगों के आपस के मतलब मामलात हैं तो कवानीन के बहुत सी चीज़ें जो हैं इसीलिए कुरान मजीद में अल्ल ने कहा कि अहम तुम्हारी दीन को मुकम्मल कर दिया जिसको फतेह मक्का में के वक्त में ये बात हुई अब जब प्रैश की तरफ से वो हुआ तो सुल्लाहबिया को तीन ही तीन महीने ही गुजरे थे कि यहूदियों का सबसे बड़ा गढ़बर फतेह हो गया उसके बाद उनकी बस्तियां थीं बादल कुरा में तयमा में तबूक में वो यहूदी बस्तियां भी उनके साथ उन्होंने सुलह कर ली नबी करीम से और आपस में एक दूसरे से वो हो गए तो ये वो वो बरक़ात थी जो सुलह के नतीजे में हासिल हुई और कहाँ तो ये आलम था कि मदीने से भाग कर जाने वाले जो थे उनको वापस करना था वो उल्टा पड़ गया उनके खिलाफ क्योंकि अबू जंदल के बाद एक और शख्स जो थे वो इस्लाम वो पकड़ के वो मदीने गए और अरब के दो आदमी कुरैश के लेने पहुंचे तो उन्होंने जब वापस किया तो उन रास्ते में उनको मार दिया उस आदमी ने और भाग के मदीने आ गए और वो भी भाग के वापस उनमें से एक आदमी बच गया था वो आपके पास आया होते साहब मेरे साथ ये मसला हो गया कि आपका जो आदमी मुसलमान भाई जो है आपका इसने मुझे मेरे भाई को मार दिया तो आपने फरमाया कि भाई तुम तो बड़े बड़े तुम मतलब ये कि बड़े मतलब ये चलते फुरसे हो बड़े तुम मतलब ये काम करने वाले हो अगर तुम्हारा किसी का साथ मिल गया तुम तो बड़े खतरनाक आदमी हो जाओगे तो वो समझ गए कि ये नबी करीम जो है मुझे वापस भेज देंगे तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ठीक है आपने मुझे वापस भेज दिया मैं जा रहा हूँ तो वो क्या किया उन्होंने कि मदीने के एक रास्ते में रुक गए जहां पर तो अरबों का प्रैश का काफिला गुजरता था और जो मुसलमान मक्के का होता उनको वहां बुला लेते क्या जाओ मेरे साथ तो पच्चीस तीस आदमी वहां जमा हो गए और काफिले लूट लेते तो आखिर में मक्के वहां ने कहा खुदा के वास्ते इस आदमी को आप वापस ले लीजिए हम इस दफा से दस्तदार होते हैं और आपने ये कहा कि जो मदीने से भाग के उनके पास जाएगा तो इसका मतलब अल्लमिया से अल्लमिया ने हमसे नजात दे दी उससे यानी वो तो इसका मतलब हमारे साथ रहना नहीं चाहता था तो ठीक है हमारे लिए तो और आसानी हो गई तो हुआ यह कि वो जो अच्छा फिर उन्होंने जो मसला वो हुआ था जो आगे चल के मसला बना कि कभी उन्होंने क्या किया कि अपने जो कबीला जो उनके साथ हलीफ बना था उसको भड़का दिया कि तुम बनी खुजा जो है उन पर हमला कर दो तो उनका जब हमला हुआ तो कई लोग मारे गए तो वो उनमें से एक आदमी आपके पास आया उसने कहा हजूर हम तो आपके साथी बने थे और देखिए मक्के के हलीफ साथियों ने यह किया हमारे साथ तो आपने कहा तुमसे बदला लेंगे हम और उसके बाद आपने ऐलान कर दिया अच्छा इधर अबू सफियान को अंदाजा हो गया कि हमने गड़बड़ कर दी है तो वो आया मदीने और मदीने में आया था हुज़ुर मतलब हम तो माहा बरकरार रखना चाहते हैं आपने तोज्जो नहीं दी तो वो बेवकूफ़ बनाता हुआ चला गया बेवकूफ़ लोगों ने बना दिया था तुम ऐलान कर दो कि हमने माह बरकरार कर दिया वो मदीने मस्जिद नबी में ऐलान करके चुपचाप चला गया लोगों ने कहा तुमने कुछ भी नहीं किया आपने तो उस पर कंफर्म किया है तुम कैसे मान देते तो आप अंदाजा कीजिए कि हमारे यहाँ बाद लोग हैं जो आजकल मुसलमानों को बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं इस्लाम की तो उसमें एक बात ये बता दें देखिए नबी करीब ने दुश्मनों के साथ दबकर सुलह की थी तो हमें भी कर लेना चाहिए ये तारी ताकतें जो हैं उनसे दब के सुलह कर लेनी चाहिए सुलह उदैबिया बहुत लोगों को याद दिलाते हैं अगर आप कभी आप चाहेंगे तो मैं नाम भी बताऊंगा उनके तो बहरहाल तो तुम्हें सवाल ये है कि जब आपने सुलह उदैबिया के की थी लेकिन सवाल ये जब उसमें गड़बड़ हुई तो फिर आपने दोबारा सुलह क्यों नहीं की उनसे और आपने उसके बाद तैयारी की और जाके फतेह मक्का की बात ख़त्म हुई तो कहने का मतलब यह है कि कुरान मजीद में एक आयत से सारे हकाम नहीं निकलते नबी करीम की सीरत से एक बात नहीं निकलती लेकिन अल्लाह ताला ने आपके लिए वो चीज़ जो आपने जब वो की गई थी वो उसको मुसलमानों के लिए फतह के जरिया बना दिया और जो उनकी असबियत जहलियत थी उसमें वो टूट फूट के शिकस्त का शिकार हो गए तो बहरहाल ये वो तारीख पस मंजर है तो उसमें अल्ला ने कहा कि नबी हमने बड़ी फतह से अतः किया है तो जब सलादैबिया के मौके पर यह बात कही गई तो लोगों को यकीन नहीं आया कि ये फतह कैसे हो सकती है खुद हम ने नबी करीम से पूछा कि अल्लाह नबी आप फरमारे यानी अल्लाह तला फरमारा है तो बाकी फ़तह है तो आपने फरमाया कि हाँ खुदा की कसम जिसके अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है ये पता है ये मुस्तद अहमद की हदीस है तो मजीरे पहुंचकर एक साहब ने अपने साथियों से कहा अजीब फता है बैतुल्ला जानी सके सकेबानी के जानवर रास्ते में जवा करना पड़े खुदेबिया में रुककर और हमारे दो साथी अबू जंदल और अबू वसीर हाँ दूसरे साथी थे अबू बसीर उनको भी जालिमों के हवाले कर दिया गया तो नबी करीम को यह बात पहुंची तो आपने फरमाया कि ये बात तुमने सही नहीं कही हकीकत में बहुत बड़ी फताह है तुम मुशरकों के घर में पहुंच गए थे लेकिन आइंदा साल का उम्र करने पर तुमको उन्होंने तुम्हें उन्होंने राजी किया तुमको खुदा के वास्ते आप चली जाइए और अगले साल आवाज आ जाइएगा हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो कुछ बुक्स था अल्लाह का अल्लाह के दीन से वो कुछ भी हो लेकिन सुलह तो उन्होंने कर ली और इस्लाम सुलह को पसंद करता है और उसके बाद तुम्हें याद है कि ओहद के दिन तुम कैसे भागे चले जा रहे थे अल्लाह ताला ने तुमको इनके यहाँ जाके वो कर दिया जंगे आजाब में दुश्मन कैसे आया था और तुम्हारे करे जो मुंह को आ रहे थे लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक नया रास्ता निकाल दिया है तो बहरहाल और हदीस है बहकी से तो कुछ मुद्दत नहीं गुजरी थी कि सुलह का नतीजा सामने आने लगा और उसी में यह आता है कि इसीलिए बरा इब आजेब अब्दुल्ला मसूद जाबिर अब्दुल्ला कहते हैं कि लोग फतह से फतेह का फतेह मक्का समझते हैं लेकिन हम ये समझते हैं सुलह उदय असिल फ़तः थी यानी फतेह का असिल आगाज तो वहां से हुआ था बुखारी मुस्लिम की हदीस से तो जिस मौके पर यह बात आ रही है कि फतह अता की तो इसका मतलब यह अल्लाह ताला ये कह रहा है कि अब तो, तो हमने तो फतह कर तो फता फतह कैसे कहते हैं कि बात समझ लीजिए फतह के मानी होते हैं दरवाज़ा खोलने के तो पुराने ज़माने में आपको या, याद होगा कि आमतौर से किले होते थे और किले दरवाज़ा बंद कर लेते थे, थे अगर बाहर से हमला होता था और अंदर बैठे रहते थे, थे उनके बाद खाने पीने का जखीरा होता था पानी होता था हाँ ये होता था कि बहुत दिन तक का नहीं होता था तो अगर फर्ज कीजिए दुश्मन दुश्मन दरवाजा किले का खोल दे तो इसका मतलब ये अब अंदर जाके बचने का सवाल नहीं फिर तो फौज अंदर आ जाएगी तो फतह का मतलब हुआ दरवाजा खोलना अब आज के जमाने में तो न किले होते हैं न दरवाजा होता है लेकिन आज फतह का मतलब होता है विक्ट्री मतलब यह कि दुश्मन ने हार मान ली तो वो फतेह हो गई तो अल्लाह ये कह रहा है कि हमने तुम्हारे लिए फतेह कर दी तो फतेह का मतलब यह है कि उनकी जो मुताल थे वो उससे ढेर हो गए उनका जो अपना तकबर था अब वो मतलब ये उसमें जम नहीं सके और उनके जितने वो समझ रहे थे हमारा साथ देने वाले होंगे वो सब सारे बेकार हो गए तो नबी हमने आपके लिए वो रास्ता खोल दिया जब लाजमन इस्लाम की सरबलंदी पे खत्म हो गए और ये अमन के साथ हुआ मतलब उसमें हजारों मारे जाते आज देख लीजिए कि मतलब ये हजारों तो कोई चीज नहीं अब तो लाखों में बात खत्म होती है और नबी करीम साजन के जमाने में टोटल छह लोग मारे गए मुसलमान गैर मुस्लिम दोनों मिला के सोलह सत्रह जंगे आप ही लड़ी उसके बावजूद तो ये जो है कि हमने फतेह अता कर दी और इसमें यह फरमाया कि अल्लाह के नबी हमने आपके दरगुजर फरमा दिया अब ये मतलब अल्लाह ताला वैसे ही माफ कर सकता था लेकिन बात यह है कि आप गौर कीजिए कि अल्लाह के नबी जो हैं वो इस मुकाम के आदमी थे कि अगर ये चौदह उस लोग भी साथ ना होते और आपने ख्वाब देखते तो आप चले जाते तो आपने चौदह उस आदमियों का सहारा लेके नहीं गए थे आप सिर्फ अल्लाह के हुक्म पे निकले थे तो अल्लाह ताला ये कह रहा है कि नबी आपके साथ तो कोई इंसानी छोटी मोटी गलतियां भी हो जाएं तो अब कोई सवाल ही नहीं है कि हम उसको हिसाब करें यही बात आपने बदर के लिए आपने फरमाई थी कि जब बदर वारों से अल्लाह ने कहा है कि अब तुम कुछ भी करो तुम्हारे गुना माफ है तो तहारे नबी का मुकाम तो उनसे कहीं आगे का है तो आपके अगले पिछले इसका ये मतलब नहीं कि आप रोजाना गुना कर। अच्छा इसका एक मतलब ये है कि आप तो बहुत गुना करते होंगे एक तो मतलब यहाँ हालांकि ऐसी बिल्कुल बात नहीं है इंसान इसे भूल चुकी हो सकती यही होता है दूसरी बात यह कि इसका मतलब यह कि अब तो आप जितने चाहें गुना करें वो तो, तो माफ़ हो चुके हैं हमारे बहुत से लोग ये समझते हैं कि हज करके आए हैं तो पुराना रिकॉर्ड तो हमारा खत्म हो गया डिलीट हो गया कंप्यूटर से अब नए गुना शुरू करते हैं रमजान के बाद लोग सोचते हैं कि भाई एक महीने में इतनी बख्शिश हो चुकी है कि अब ईद के दिन जाके पहला काम करेंगे कोई बहुत अच्छी किस्म की मूवी देखेंगे या कोई अच्छा किस्म का खेल कूद करेंगे तो इसका यह मतलब नहीं बल्कि इसका मतलब यह है कि आदमी का अल्लाह तला का एहसानमंद होना चाहिए और इसीलिए नबी करीम के बारे में आता है कि वो इबादत करते थे लोगों ने कहा आप तो माफ आपको माफ कर दिया गया तो उन्होंने कहा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये मुझे और शुक्रगुजार बनना चाहिए तो हमने आपको सीधे रास्ते पे दिखाने के लिए सब काम किया है तो आप इसे अंदाजा कीजिए कि, कि नबी करीम का यानी एक बात ये कही और दूसरी बात ये कही कि नबी हमने आपके लिए एक इंतजाम कर दिया कि आपके ऊपर नियमतें तमाम कर देंगे तो नियमतें तमाम करने का मतलब यह है कि मुसलमान अपनी जगह खौफ से और दुश्मन के डर से महफूज होकर अपनी ज़िंदगी इस्लाम के साथ अमन के साथ गुजार सकें और उनको ये ताकत नसीब हो जाए कि वो दुनिया में अल्लाह कलमा बरन कर सकें कुफ़ का गलबा ख़त्म हो जाए और कुफ इतनी ताकत नहीं रहे कि वो अल्लाह कलमे के आगे मुकाबला कर सके और मुसलमानों के लिए फितना बन सके इस फितने से खलासी पाकर जब इस्लाम का दार इस्लाम बन जाए तो ये ऐसी चीज़ है जिसके बाद अल्लाह ताली की नमत तमाम हो जाती है और हकीकत ये आज भी आप देख लीजिए आज जितने दुनिया के वादे हैं ह्यूमन राइट्स के डेमोक्रेसी के सेकुलर ताकतों के और फला फला के उस सब के बावजूद मतलब यह है कि जो असल नुकसान होता है मुसलमान की जेब से होता है बाकी सब लोग जो हैं वो बयान दे के खुश हो जाते हैं काफ़ी हद तक लेकिन अगर इस्लाम की ताकत अल्लाह ताला ही चाहता है कि दीन इसलिए चले कि उसके लिए कोई फितना पैदा करने वाला ना हो एक कमज़ोर से कमज़ोर मुसलमान जो है उसको नमाज पढ़ने में इबादत करने में नेकी करने में कोई मुश्किल पेश ना आए तो ये मकाम अल्लाह ने उसको दे दिया शीधे रास्ते का मतलब यह है कि आप ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो आगे चल के कामयाबी पर पहुंचेगा और अल्लाह तौहदे के जरिए से ही कर दिया और अल्लाह ने आपको वो अज़... वो नुसरत से नवाजा है जो बहुत ही इज्जत वाली है यनसुरु नसरा नशरा जो है बुनियादी तौर तो पर यानी अगर आप देखेंगे तो कुरान मजीद ने यह रत बहुत इस्तेमाल किया है तो मैं अगर अपनी जबान में इसको समझाऊं तो इस तरह से है कि नुसरत जो है वह बुनियादी तरब दो तरफा काम है यानि आप खाना पकाना चाहते हैं खाना पकाना चाहते हैं उसकी नुसरत खाने की कैसे करेंगे आप उसमें सही इंग्रेडिएंट हो सही तरीके से उसको पकाया जाए और बिल्कुल बर्ब तरीके से उसका काम किया जाए ताकि वो जब खाना पककर आए तो खाने की नुसरत आपको मजे से हासिल हो और आपके सही कोशिश से खाना अच्छा हो जाए ये दो तरफा काम होता है एक तो ये बात है दूसरी बात यह कि नुसरत हर चीज़ की अलग अलग होगी यानी मस कीजिए कि आप चाय में एक शक्कर शकर आप पीते हैं और आपने एक चमचा डाल लिया मसला तो एक चमचे की शकर हो गई लेकिन आपने एक चमचा शकर डाल दिया दूध नहीं डाला तो दूध की नुसरत नहीं होगी फिर वो सिर्फ शकर की होगी अब आपने उसमें दूध भी डाल दिया दूसरी नुसरत हो गई फर्ज कीजिए कि उसमें आपने मतलब ये कि पानी ठंडा है और आपने उसको गर्म किया तो उसकी नुसरत हो गई तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अल्लाह ताला की नुसरतें अलग अलग तरह की हैं हम नमाज पढ़ते हैं तो उसकी एक नुसरत है हम रोजा रखते हैं तो उसकी एक नुसरत है हम अल्लाह की राह में देते हैं तो उसकी एक नुसरत है अब इन्हीं नुसरत में ये नहीं हो सकता कि हमने फर्ज की नमाज पढ़े तो महल भी तामीर हो जाए हम अगर फर्स कीजिए कि दुकान खोल के बैठे और सामान कुछ नहीं रखें लेकिन लोग जो है आने, आने लगे और शुरू हो जाए दुकान खोलने के बाद उसमें सामान भी रखना होगा उसके बेचने के लिए दुकान का वक्त भी तैयार करना होगा पर सारी चीजें हैं तो कहने का मतलब जितनी नुसरत हम इसे हमारे कहते हैं भाई जितनी आप गोड़ गोड़, गोड़ ज्यादा डालेंगे मिठास उतनी होगी दूसरी बात यह कि दो नुसरतें अलग अलग हैं एक नुसरत है इंसराजी अफराद के लिए और दूसरी नुसरत है यानी अगर फर्ज कीजिए मैं हम हम सारे लोग मुसलमान नमाज पढ़ने लगे तो हम इन श्ला जन्नत में जाने वाले हो जाएंगे मसलन हम मतलब ये हराम से बचने लगे जन्नत में जाने वाले हो जाएंगे लेकिन अगर हम सारे नोक नक लोग हो जाए और अल्लाह के दीन को गालिब करने की जो नुसरत है वो ना करें तो उस से नमाजों से खुद ब खुद जो है इस्लामी हुकूमत कायम नहीं होगी यानी आप दुनिया में देख लीजिए हमारे आज का जो भी रेशियो है अलहमद नमाज़ पढ़ने वाले को रेशियो हमारे कम नहीं है मतलब इबादत करने वालों कम नहीं है सदका करने वालों कम नहीं है लेकिन ये कि जो वो नुसरत जो दीन के लिए होना चाहिए क्योंकि वो चूंकि हम पीछे रह गए हैं उसको हम समझते हैं ये तो दो चार जमातों का काम है जमा इस्लामी काम कर ले या फला जमात की काम कर ले दावत इस्लामी वाले कर ले तंजीम वाले कर ले इनका काम है हम तो भाई दुनिया में मसरूफ है तो ये जो जो नुसरत जो जो है ये उस वक्त होगी जिसको अल्लाह ने कहा कि इन तंसरल्लांसुर को अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे और अल्लाह ने कहा कि अंतुम तुम मोमिन अगर तुम मोमिन बनकर रहोगे सब मिलकर इज्तिमाही पर तो फिर हम तुम्हारी मदद को ऊपर ले आएंगे फिर अल्लाह ने कहा कि ला मा मा हम कौमों को उसद तक नहीं बदलते जब तक पूरी की पूरी कौम ना सही तो कम से कम ज्यादा कौम का हिस्सा बदलने पर आमादा ना हो जाए तो ये समझ लीजिए कि जहाँ पर जब अल्लाह तला कहना कि हमने नबी आपको नुसरत से नवाजा तो नबी की नुसरत तो हजारों तरह की थी लेकिन यहाँ पर वो नुसरतें जिसके जरिए से इज्तमाही ताकत इस्लाम की जो थी कुफर के मुकाबले में बरतर हो गई आप मैंने पहले भी बात कही थी कि मसा हमारी कामयाबी जैसे होती है तैतीस परसेंट पे हो जाती है अब अब आजकल पता नहीं कितने में होती है लेकिन हमारे जमाने में था तैतीस परसेंट आप नंबर ले आए तो कामयाब हो जाएंगे मसलन पास कहलाएंगे आप तो अल्लाह के चली हम चलिए हम मान लेते हैं तैंतीस परसेंट है अब इसमें हमारे पास छियासठ परसेंट कमी है अभी तो अब मसल फर्ज कीजिए कि अल्लाह ताला ये कहे कि हमने तुमको तैंतीस परसेंट अपनी मदद भी दे दी तो अब कितने हो गए छियासठ परसेंट हो गए ठीक है अच्छा अब यहां मसला यह हुआ कि काफिर ने सौ फीसद तैयारी की है काफिर की तैयारी जो है सौ फीसद है लेकिन उसके पास अल्लाह की मदद कितने परसेंट है जीरो परसेंट तो इसका मतलब उसके सौ सौ रहेंगे हमारे जो है तैतीस से कितने हो गए छियासठ और अल्लाह ताला ये कहता है कि हमारे पास फार्मूला ये है कि एक मुसलमान दो के बराबर होता है हमारे परसेंटेज कितना हो गया सौ से ऊपर हो गए तकरीबन या सौ तो हो ही गए ठीक है ना अब मसला ये है कि हम अल्लमिया से ये कहें कि भाई तैतीस परसेंट तो आप दे दीजिए हमारा तो, हमें पर तो आप पर भरोसा मत कीजिएगा अभी तो हम पांच परसेंट भी चल रहे हैं लेकिन आपका तैतीस परसेंट हमें दे दें दे। और तैतीस के बाद बाकी तैतीस भी आप कवर कर लें जी तो अल्लाह तह तो ने कहा कि ये उसूल नहीं चलता पहले तुम मदद शुरू करो फिर हम मदद करेंगे यानी पहले तुम रिक्वायरमेंट तुम पूरी करो उसके बाद हमारी मदद आएगी यानी हम मदद दे दें उसके बाद तुम कहो कि सब ठीक है जैसे मूसा के साथियों ने कहा था कि मूसा आप और आपका खुदा जाके लड़ लीजिएगा और बाद में जब फता मिल जाए तो हम आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे तो अल्लाह ने कहा ये उसूल हमारा नहीं है अब ये जो अल्लाह ने इस बात कही के लजी अन सकीन अय नबी हमने आपके ऊपर सकीी उतारी तो ये लफ्ज बड़ा अहम है इसको समझ लेना चाहिए कि यह सकन जो होता है ना सकन असल में सकन तो ठहराव को कहते हैं यानी जैसा पे समंदर है अगर उसमें लहरें बिल्कुल रुकी हुई हैं बिल्कुल बिल्कुल बराबर से हमवार रास्ता चल रहा है तो उसको सकन कहते हैं और इसीलिए आप ये जो जबर जेर पेश होते हैं इसकी वजह से हरफ जो है ऊपर होता है नीचे होता है गोल होता है लेकिन आप उस पर जजम लगा दें तो वो ठहर जाएगा मतलब उसकी आवाज जो है वो गया मतलब खामोश हो जाएगी तो असल तो यहां से निकला है तो अब इसीलिए इस्लाम में अगर आप देखें तो सकन से मैं जो बात कहता हूं वो ये है कि तीन लफ्ज निकलते हैं तीन लफ्ज सकन से एक लफ्ज निकलता है सुकूनत सुकूनत का मतलब ये होता है कि एक आपके पास एक घर हो सर छुपाने की जगह हो खेमा हो कुछ भी हो और आप वहां जाकर रहने लगे तो जब आप घर के अंदर आ जाएंगे जो ऐसा भी घर हो टूटा फूटा हो आपको वहां पे जरा सा सुकून मिल जाएगा यानी थोड़ा सा आपको घर का बाहर की हवाएं नहीं आएंगी गर्मी धूप गर्मी का मसला है बारिश का मसला है उससे आप महफूज हो जाएंगे तो आप ठहर गए दूसरा निकलता है उससे सकीनत सकीनत जो है वो दीवारों से नहीं मिलती छत से नहीं मिलती खिड़की से नहीं मिलती वो सकीनत उससे नहीं मिलती सकीनत मिलती है दिल के अंदर आराम से और ये सकीनत मिलती या तो ईमान से या मुसलमानों का आपस में एक दूसरे के साथ साथ से या घरेलू जिंदगी है तो मियाँ बीवी के एक दूसरे की सकीनत से यानी ये, ये इंसानों से मिलती है या फिर अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला देता है और बंदों के जरिए से मिलता है तो अगर आप फर्स्ट कीजिए मैं मस्जिद बना लूँ और शानदार सोने की मस्जिद बनाऊं लेकिन मस्जिद में कोई पढ़ने वाला नमाज पढ़ने वाला आई नहीं तो मस्जिद सुकूनत तो हो गई लेकिन सकीनत नहीं बनी और मस्जिद बड़ी पुरानी सी है लेकिन आबाद है लोग आ रहे हैं मस्जिद मस्जिद का बड़ा आबाद हो रही है लोग भरे हुए हैं तो वो मस्जिद में सकीनत आ गई तीसरी चीज होती इसी से एक और लफ्ज निकलता है वो है मिसकीियत मस्किनियत यह है कि आपके पास इतना है ही नहीं कि आप कुछ मतलब यह कि अपना गुजारा जो है ठीक से कर सके ना मांग सकते ना उसके बगैर रह सकते यानी जिसे कह लीजिए किस्म की मतलब यह कि पर्दा पोषी भी है सफेद पोशी भी है और है भी कुछ भी नहीं तो मस्किन बने हुए जी तो अब सवाल यह है कि हम हम ज्यादातर अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जोर किस बात पर देते हैं सुकून पर घर पर सकन यानी मस्कन हो जाए हमारा घर हो जाए जी सकीनत को हम समझते हैं कि ये तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है मिल जाएगा वैसे अल्लामिया दुआ करेंगे तो दुआ के जरिए सारे मसले हल हो जाएंगे चाहे हम काम करें ना करें जबकि अल्लाह ताला कह रहा है सबसे अहम चीज इसमें सकन अपनी जगह बहुत अच्छी बात है लेकिन असल चीज सकीनत है और अल्लाह ताला ये कह रहा है ये सकीनत हम देते हैं तो यहां पर अल्लाह ताला ने किस बात को कहा यहाँ पे अल्लाह ने कहा कह लोगों हमने तुमको घर अदा कर दिया वो तो खैर काफिरों को भी मिलता है लेकिन अल्लाह ने कहा हमने तुम्हारे दिलों में सकीनत उतार दी और सकीनत ये है कि आपके पास दस रुपए हैं लेकिन आपको बिल्कुल आप मुतमईन है कि मेरे पास कोई जरूरत पड़ेगी भी तो इसी में काम चल जाएगा मेरा और दस करोड़ रुपए हैं ये और थप्पे के थप्पे लगे हुए हैं लेकिन आप परेशान है कि यार ये काम ही नहीं देगा तो और होना चाहिए मेरे पास और जरूरतें आपकी खत्म नहीं होंगी तो अल्लाह ने कहा कि हमने आपके अंदर ये सकीनत उतार दी है दिलों में और हमने इस तरह से उनका ईमान बढ़ा दिया ईमान जितना था उसमें और जैसे मैंने अभी कहा कि तैतीस परसेंट था अल्लाह भी उसको छियासठ परसेंट कर दिया तो ईमान के ऊपर ईमान और फिर अल्लाह ने एक अजीब बात कही उसने कहा कि बात यह है कि हमारे पास सकीनत उतारने के कुछ अलामतें भी हैं एक अलामत क्या है जैसे बदर में अल्लाह तक ने बारिश उतार दी बारिश से क्या हुआ कि वो गुबार जितना सफर का था वो सब धुल गया और नारासी नींद आ गई मालूम एकदम ताजादम हो गए और सारा दुश्मन का खौफ खत्म हो गया दूसरा जो है अल्लाह ताला ने कहा कि भाई हमने तुम्हारे पे शकीनत उतारी है कैसे कि आपने अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमारे पास ऐसे लश्कर हैं जिनको तुम्हें नजर नहीं आते लेकिन हम उनसे काम ले लेते हैं गजवा हज़ाब में हवाएं भेज दी अल्लाह तला ने जी और इस तरह तो अल्लाह ने कहा कि हमारे पास लश्करियों कमी नहीं है हम कुरान में अभी आयद पड़ चुके हैं पहले अगर तुम हट जाओगे तो हम दूसरी कौम को ले आएंगे तो काम लेने के लिए हमारे तो कोई कोई मसला नहीं है हमारे पास बहुत है तो के ताला बहुत वाला है अरबी जबान में सुकून इत्मीनान और सुबात कल्ब को कहते हैं कल्ब जम जाए या गल की घबराहट खत्म हो जाए यहाँ अल्लाह तला मोमिनों में इसके नाजिल किए जाने को इस फताह का अहम सब करार दे रहा है कि जब मुसलमान सोलहिया में आए और उन्होंने उस मौके पर जो कोई भी उनका इसतराब था वो उन्होंने दिल में तो रखा कहा भी लोगों से लेकिन उसको कभी असरअंदाज नहीं होने दिया उनकी जो ईमान की कैफियत थी वो उनके साथ जमी रही तो मुसलमान अगर खौफजदगी मुबतला हो जाते मुनाफि की बात सुन के मौत के मुंह में नहीं जाते मतलब अपने आप हाँ को ख़तरे में नहीं डालते तो जाहिर है कि वो फिर बेकार हो जाता सारा मसला लेकिन वो तैयार हो गए इतमान से निकल आए फौज नहीं थी हथियार नहीं थे उसके बावजूद तैयार हो गए लड़ने के लिए तो अल्लाह ने उनके अंदर इतमान पैदा कर दिया नतीजा यह हुआ कि वही कुफार जो उनके मुकाबले में कई गुना ज्यादा होंगे वो सारी सारी उनकी जितनी टैक्टिक्स थी गंदी डरती टैक्टिक्स वो उनको किसी तरह से हटा नहीं सकी और एक अब उनका एक भाई था जिसके पास जुल्म हो रहा था उसको भी उन्होंने देख लिया लेकिन उसके बावजूद अपने सुलह पे कायम रहे ये सकीनत थी जिसकी वजह से नबी करीम की इस बात को भी उन्होंने रुवत मान लिया जब उनको अच्छा नहीं लग रहा था क्या हुआ इसके नतीजे में वो सुलह उदैबिया जो थी फतेह अजीब में तब्दील हो गई या अल्लाह का फजिल था कि नाजिक घड़ू में मुसलमानों को रसूल पाक की रहनुमाई और दीन सदाकत की और अपने मिशन पर बर होने का काम इतना नसीब हुआ इसी की बुनियाद पर उन्होंने ये फैसला किया कि जो कुछ आया है हम इसको बर्दाश्त करेंगे खौफ घबराहट इश्तार मायूसी और हर चीज़ से हम महफूज़ रहेंगे और इसी के बदौरत उन कैंप में नजम जदत बा रहा अब गौर कीजिएगा कि हमारे सबसे बड़ा मसला क्या होता है जरा सी कोई मुश्किल पेश आई अचानक सारा निजाम बितर हो गए और मतलब एकदम मालूम हुआ कि सदर कुछ कह रहा है कुछ कह रहे हैं लोग कुछ कह रहे हैं मेबर कुछ हो रहा है और एकदम बात खत्म हो जाती है एकदम हमारे यहाँ तो ये वो चीज़ थी तो इसको अल्लाह तौल ने कहा कि हम चाहते हैं ताकि तुम्हें हम दवाजें जब नवाजें तो हमें पता चले कि जन्नत में रहने वाले लोग कौन होते हैं हम यहीं बता दें उन्हें यानी जन्नत के इनामत को तो हम तय करेंगे लेकिन जन्नत में दाखिल होने वाला कौन हम यह बता रहे हैं कि ये वो शख्स होता है जो ईमान के वजह से उसके अंदर उसका दिल कैसा होता है उसका नजम जब कैसा होता है उसकी इंफरादियत कैसी होती है उसकी इज्तमियत कैसी होती है उसकी क्यादत का ताल्लुक कैसा होता है और अपने मकसद से वाबस्तेगी उसके अंदर कैसी होती है और ये वो चीज़ है जो वजह से हम उनके कफार गुनाह कर देते हैं जनपों में दाखिल करते हैं और ये वो कामयाबी है जो हकीकता सही माना में कामयाबी कहलाती है तो आज यहीं तक रखते हैं इन